क्या बाइडेन के फैसले से भड़के पुतिन परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं? जानिए इस खतरनाक स्थिति की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भड़का दिया है। इस कदम के बाद रूस ने परमाणु हमले की चेतावनी दी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बाइडेन ने हाल ही में यूक्रेन को रूस के अंदर स्थित सैन्य ठिकानों पर हमला करने की इजाजत दी है। इस फैसले से रूस बुरी तरह नाराज हो गया है। रूस के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिम को लगता है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो यह उनकी घातक भूल है। उन्होंने साफ कहा कि यह कोई झांसा नहीं है बल्कि वास्तविक खतरा है। मेदवेदेव ने यह भी कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिम का संघर्ष अब पूरी तरह युद्ध में बदल सकता है। उन्होंने नाटो देशों को सीधे युद्ध में शामिल मानते हुए कहा कि रूस यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सभी लंबी दूरी के हथियारों को नाटो के सैनिकों द्वारा नियंत्रित मानता है। इसके साथ ही जर्मनी की सरकार ने भी कहा है कि यूक्रेन रूसी सीमा पर स्थित स्थानों से हो रहे हमलों के खिलाफ उनकी ओर से दिए गए हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जर्मनी का मानना है कि यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन हमलों से बचने का अधिकार है। अब सवाल यह है कि पुतिन की यह धमकी कितनी गंभीर है? क्या वास्तव में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा? जानकारों का कहना है कि पुतिन का यह बयान उनके गुस्से और तनाव को दिखाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमाणु युद्ध अवश्यंभावी है। लेफ एरिक एसले, सोल की इवा यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्टडीज के प्रोफेसर, कहते हैं कि उत्तर कोरिया की तरह रूस भी अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। यह एक तरह का प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अमेरिकी सेना के अधिकारियों का कहना है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन की तस्वीरें इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अगर रूस के जासूसी सैटेलाइट वाकई काम कर रहे हैं तो यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, यह समय है जब पूरी दुनिया को एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।